नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के गणित विषय के कक्षा एक के पाठ क्रमांक 1.1 एवं पाठ का नाम छोटा बड़ा के बारे में आपको साथ बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ के साथ प्रयोग करके किस प्रकार से हम कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। तो विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर पाठ या कॉन्सेप्ट से जुड़े शब्द बोलकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे एवं पुनः अध्ययन भी करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट को दीर्घ काल तक याद रखने में आसानी होती है। तो यह था इस नवाचार की नवीनता। अब बात करेंगे कि आखिर इस नवाचार को करने के लिए शिक्षक को क्या क्या पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें शिक्षक को सबसे अहम बात सुनिश्चित कर लेनी होती है विद्यार्थियों के साथ कि सभी विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ को पढ़ लिया गया हो एवं इसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से समझ लिया गया हो। अब बात करेंगे कि आखिर इसको कक्षा में क्रियान्वयन कैसे करना है। तो शिक्षक सभी विद्यार्थियों को ये आदेश दे चुके होंगे कि सभी विद्यार्थियों को अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर अपने स्थान पर खड़े होकर पाठ या कॉन्सेप्ट से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है एवं इसका जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि आसपास की वस्तुएं यानी आसपास की वस्तुओं के नाम लेकर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और अपनी उसकी व्याख्या करते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है एवं धैर्यपूर्वक अपने स्थान पर जाकर बैठ जाना है और इस प्रक्रिया को हर एक विद्यार्थी को दोहराना है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थी इस उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उपस्थिति के दौरान विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा निरस्ता होती है, क्योंकि या तो वह अपना काम कर रहे होते हैं उस समय, या फिर दोस्तों से बात करते हैं, या फिर घर के किसी खेले हुए खेल को याद करते हैं या उसका डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में उपस्थिति के दौरान एक निरस्ता रहती है, तो क्यों ना इस नवाचार के माध्यम से उनमें इस निरस्ता को कहीं ना कहीं मनोरंजकता और उत्सुकता में परिवर्तित किया जाए। तो इसीलिए यह नवाचार भी क्रियान्वयन किया जाना है। तो उदाहरण के साथ इसको समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से इसको क्रियान्वयन करेंगे और इसको किस प्रकार से विद्यार्थियों एक एक करके विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसका नाम है कि मान लीजिए कुछ भी नाम है, अनुक्रमांक के हिसाब से बुला लेते हैं विद्यार्थियों को। जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक एक को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो अनुक्रमांक एक का विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होगा और एक छोटी छोटी कोई वस्तु का नाम जरूर बताएगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में बोला उसने एक पुस्तक, अगर राम अपने स्थान पर खड़ा हुआ तो उसने एक वस्तु का नाम बोला पुस्तक और अपने स्थान पर जाके बैठ गया। इसी प्रकार से अगला विद्यार्थी बड़ी से बड़ी वस्तु बोलने की कोशिश करेगा अपने आसपास, तो अगला विद्यार्थी मान लीजिए खड़ा हो जाता है और वह बोल देता है श्यामपट, यानी अनुक्रमांक दो बोलेगा श्यामपट और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। इस प्रकार से क्रम दर क्रम छोटी और बड़ी वस्तुएं बोलेंगे आसपास की वस्तुओं के बारे में और ढूंढेंगे कि हमारे आसपास कौन सी छोटी वस्तु है और कौन सी बड़ी वस्तु है। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को हम एक एक करके सभी विद्यार्थियों के साथ करेंगे और उनकी उपस्थिति भी दर्ज करेंगे और इस प्रकार से इस नवाचार को कक्षा में क्रियान्वयन भी कर सकेंगे और यह प्रत्येक पाठ के साथ हम क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के मनोरंजक एवं नवाचारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इस वीडियो को देख पाएं एवं अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग पाठों में इस नवाचार को प्रयोग करके क्रियान्वयन जरूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।